मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शो टाइम पे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल कर रहे हैं और उसमें हम पिछले 10 साल के आए हुए वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, यानी 20, जो 2014 में 4 नंबर का आया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर वेन इट्स सेंट्रल एंगल 60 डिग्री। ऑल्सो फाइंड, देखो अब इसमें हमें फिगर नहीं दी है, तो सबसे पहले हमारा टास्क होगा कि फिगर बनाना। तो फिगर बना लेते हैं, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। ये हमारा सर्कल है, ठीक है, और इस पर आपको ये पता होना चाहिए कि सर माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर बनता कैसे है। तो सेक्टर बनता है रेडियस से। तो सबसे पहले एंगल बना लेता है। एंगल बनाने के लिए, अब देखो ये भी जरूरी चीज़ है, एंगल बनाने के लिए मिनिमम दो रे चाहिए। दो रे, अब दो रे कहाँ से लाए? देखो इसको इससे मिला दो, तो ये एक रेडियस हो गई और एक ये रेडियस हो गई, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे दिया बी, और इसको मिला देते हैं, ठीक है। मैं अलग मार्कर से बता देता हूँ, ये रहा, ये मिल गया, और ये नाम दे दिया मैंने सी, और ये नाम दे दिया मैंने डी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, हमें क्या दिया हुआ है? रेडियस। ये साइड ये रेडियस दी है 14 सेंटीमीटर, और ये भी, और ये एंगल दिया हुआ है कितना? 60 डिग्री, ठीक है। हमें माइनर सेगमेंट निकालना है। माइनर सेगमेंट क्या हुआ? ये वाला जो कोर्ड से बनता है, कोर्ड से जो बनता है वो होता है सेगमेंट, और जो रेडियस से बनता है वो होता है सेक्टर। सर ये कैसे निकालें? देखो किसी तरीके से, यहाँ पे देखो मार्कर को, देखो मेरे, ठीक है, इस मार्कर को, ये मेरा सेक्टर हो गया। देखो ये पूरा, ये और ये और ये पूरा सेक्टर हो गया। तो किसी तरीके से इस सेक्टर में से, सेक्टर का नाम क्या है? ओ बी सी ए ओ। इस सेक्टर में से इस ट्रायंगल को माइनस कर दूं तो यही एरिया बचेगा, सीधी सी बात है। लेकिन सर ये ट्रायंगल कैसे निकालें? ना तो ट्रायंगल की हमें लेंथ दी हुई है, ना ब्रेथ दी हुई है, ना हाइट दी हुई है, कुछ वो लेंथ नहीं दी हुई है, ना हाइट दी हुई है, तो सर कैसे निकालें? अब देखो एक चीज़ दी हुई है उसने, उसने एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से समझना इस पर किसका यूज हुआ है, बहुत गहराई वाला क्वेश्चन है। हमें पता है इक्वल साइड सस्टेन इक्वल एंगल, सिंपल सी बात है ना। तो ये 14 है, ये 14 है, मतलब ये इनके साथ वाले ये एंगल, ये भी थीटा और ये एंगल भी थीटा। तो हमें ये पता चल गया भाई, थीटा प्लस 60 डिग्री इक्वल टू कितना होगा? 180, क्यों? ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 थीटा इक्वल टू 180 माइनस 60, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 थीटा इक्वल टू 120, तो थीटा इक्वल टू 120 डिवाइड बाई 2, मतलब 60 डिग्री। मतलब ये एंगल मुझे पता चल गया कि ये भी 60 है और ये भी 60 है। अब तीनों एंगल 60 डिग्री आ गए, इसका मतलब क्या है? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब सर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका हमें एरिया भी पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है, अंडर रूट 3/4 साइड का स्क्वायर। तो अगर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये लिख देता हूँ, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सेक्टर क्या है मेरा? ओ, देखो ओ बी सी ए ओ इक्वल टू, ठीक है, ओ एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इन दोनों को मैंने माइनस कर दिया तो मेरा सेगमेंट बचेगा, कौन सा सेगमेंट? ए सी बी ए, ए सी बी ए। तो ये मेरा क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ सेगमेंट, मतलब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? अब हमें पता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कैसे निकालते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? अंडर रूट 3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। अब साइड कितनी है? 14, तो यहाँ पे रख लो थीटा कितना है? 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई को रख लो 22/7, और आर कितना है? रेडियस है 14 का स्क्वायर माइनस रूट 3/4, और इधर भी कितना है? 14 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ध्यान से, इससे ये कट गया और 6 टाइम में, और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है। अब ध्यान से देखो,
कुछ देख के मुझे समझ में आ जाएगा। 14 पूरे में से कॉमन आ रहा है, 14 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचा 22 अपॉन, यहाँ देखो 6 7 42 42, ठीक है, माइनस क्या बचेगा रूट 3/4। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो रूट थ्री की वैल्यू यहाँ में दी रहेगी, नहीं दी रहेगी ये रूट थ्री की वैल्यू, तो आपको याद रखना है 1.73, ठीक है, तो रूट थ्री की वैल्यू आपको याद रखना, नोट कर लो, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो अब इस पूरे को सोल्व करोगे तो हमारा आंसर आएगा राउंड अप्रोक्सीमेशन में, मुझे याद है 17.89, ठीक है, ये मेरा अप्रोक्सीमेट में आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यों हम क्या निकाल रहे हैं सेगमेंट का एरिया, तो इसको राउंड फिगर में 18 भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट ये आंसर आएगा, कैलकुलेटर पे कर लेना। तो ये तो आ गया मेरा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब ध्यान से देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, अब ये मिटा देता हूँ। अब मुझे मेजर सेगमेंट का निकालना है, तो मेजर सेगमेंट में आपको दिखा देता हूँ मार्कर से कहाँ पर है, ठीक है, तो देखो ध्यान से देख लो, नोट डाउन कर लो आराम से, ठीक है। अब मेजर सेगमेंट देखो, मेजर सेगमेंट मेरा क्या दिख रहा है, ए, ये दे यहाँ देखो डी बी ओ ए डी, ये मेजर हो गया, देखो ध्यान से मैं ये चला देता हूँ, ये लो ये मेरा मेजर हो गया ये पूरा, ठीक है, आ गया। सर इसको कैसे निकाले, देखो ध्यान से, पूरे सर्कल के एरिया से जो माइनर सेगमेंट आया ये वाला, वही मेरा ये एरिया होगा, बिल्कुल होगा, तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्लियर है यहाँ तक? तो ये कितना आया एरिया ऑफ सर्कल, क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस, ये राउंड फिगर में कितना आया था 17.89, तो इसको अप्रोक्सीमेट 18 ले लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको जगह 18 भी लिख लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा सही आएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा पाई 22/7 इंटू आर कितना है 14 का स्क्वायर माइनस 18, तो इसको सोल्व करेंगे तो 22 अपॉन 7 इंटू 14 इंटू 14 माइनस 18, तो इससे इसको काट दिया तो दो बारी में, इसको सोल्व करेंगे तो 616 माइनस 18, तो ये आ जाएगा मेरा 598 मीटर सेंटीमीटर है ना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देख लिया मैंने कितनी आसानी से इसको सोल्व कर दिया, कितने बेसिक्स फंडामेंटल वाले क्वेश्चन थे ये, आराम से देखना नोट डाउन करना एक एक पॉइंट समझना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इससे पहले मैं 19 क्वेश्चन करवा चुका हूं, सारे प्रीवियस ईयर वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, चैनल पे जाना प्लेलिस्ट खोलना सारी वीडियो मिल जाएगी, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और यकीन मानो ये पूरी सीरीज लाइन से प्रीवियस ईयर की सीरीज पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं करवाता, सिर्फ मैं ही करवाता हूं। तो वीडियो को देखो आपको आइडिया मिल जाएगा कि बोर्ड में किस लेवल का और कितने अच्छे क्वेश्चन पूछता है और कैसे करना होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, बाय बाय दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे 21 क्वेश्चन 2016 में 4 नंबर का आया हुआ है, इतना बेहतरीन क्वेश्चन है, मैक्सिमम बच्चे 99.9% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, देखो कैसे, और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ और एक ही बार आया हुआ है तो दोबारा नहीं आएगा ऐसा बोल नहीं सकते, आ गया तो बहुत कम बच्चे कर पाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखो, ये हमें फिगर दी हुई है, ठीक है, ये फिगर है OA इक्वल टू OB है ना, और पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या दिया हुआ है पेरीमीटर, एरिया तो दिया ही नहीं है ना रेडियस दिया है, सर करेंगे कैसे, तो पेरीमीटर से हम किसी तरीके से रेडियस निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे रेडियस अभी बताता हूँ, और फिर जो रेडियस आएगा उसमें से अगर देखो इसको मैं कंस्ट्रक्शन कर दूँ इस तरीके से, तो ये शेडेड एरिया निकालना है मुझे, ये वाला, ये पूरा ये वाला, ठीक है, ये देखो तो ठीक है ये वाला, तो किसी तरीके से ये एरिया और ये एरिया ऐड कर दूं तो पूरा शेडेड एरिया आ जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा टास्क है कि सर ये कुछ कुछ तो सेमी सर्कल जैसा दिख रहा है, लेकिन सर इसकी रेडियस कैसे निकालने, तो देखना ध्यान से, इतना बेहतरीन सवाल है ना, बहुत मज़ेदार, हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर क्या होता है बाउंड्री लेंथ, ठीक है, तो ध्यान से देखो ये एक बाउंड्री हो गई यहाँ पे, और फिर यहाँ से ये दूसरी बाउंड्री हो गई, और यहाँ से ये यहीं से ये तीसरी बाउंड्री हो गई, ये वाली ये पूरी, ये तीन बाउंड्री दिख गई, तो इसी में इसी घेरा बोलते हैं जिसको घेरा, इस तीन बाउंड्री के अंदर
ही सब कुछ है। तो अब ध्यान से देखो क्या लिख रहा हूं मैं, तो AQO क्या है, ठीक है, AQ है मेरा आर्क, तो मैंने क्या लिखा, AQO प्लस OB, OB क्या है, लेंथ OB प्लस फिर आर्क क्या है ये B, और इसको नाम दे देते हैं कुछ भी, P नाम दे दो, BPA, यही पूरा पेरीमीटर है, और जो हमें कितना दिया है 40 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, सबसे जरूरी चीज़ थी कि सर ये चीज़ क्लियर है कि नहीं। अब देखना ध्यान से, ओ बी तो डायरेक्ट मुझे पता है कि भाई ये पूरा सर्कल अगर इसको ऐसे कंप्लीट कर लूँ तो ये पूरा सर्कल बन गया, और ये पूरा ये बड़े वाला देखो ऐसे, ये पूरा ऐसे ये सर्कल बन गया, तो ये बड़े वाले सर्कल की ये डायमीटर हो गई, तो डायमीटर ओ बी और ओ ए रेडियस हो गई, तो ओ बी तो रेडियस है, सिंपल सी बात है, तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट आर लिख देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ए क्यू ओ, ए क्यू ओ क्या दिख रहा है, ये सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल का आधा है, सर्कल का आधा मतलब सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr, लेकिन उसका आधा है ये पाई आर, ठीक है पाई। अब देखो मैंने आर नहीं लिखा, क्यों भाई, ये तो पूरी इस सर्कल की डायमीटर है ना, हमें तो आर लेना है, तो आर का भी आधा लेंगे, तो ये आर होगा ना आधा, तो क्या लिखेंगे 2πr, तो मतलब पाई आर ओवर अपॉन 2, ये समझ में आया कि नहीं, ये मुझे जरूरी चीज़ थी, ठीक है, कि सबसे जरूरी चीज़ थी, ये समझ में आया कि नहीं। अब तीसरा देखो, BPA प्लस में, अब देखो इसका क्या होता है, ये पूरा क्या होता है 2πr, लेकिन ये पूरा, ये देखो ये पूरा सर्कल है, तो सर्कल का ये आधा रेडियस, तो ये तो रेडियस ही है ना OB, तो ये इसी के बीच में आ गई, तो इसका क्या हो जाएगा, देखो इसका सिंपल सा हो जाएगा पाई आर, और ये कितने के इक्वल है 40 के। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, सबसे पहले ये चीज़ देखो, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, जरूरी चीज़ ये है, ठीक है। अभी देखो, अब यहाँ पे एक माइनर सी गलती कर दी हमने, क्या गलती करी, देखो 2πr, ठीक है, 2 इसका AQO, AQ क्या होता है इसका 2πr, तो हमने क्या लिया πr, ठीक है, AQ क्या होता है 2πr, ध्यान से देखना, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना ही क्या, अपने आप में देखो कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा πr बाई 2 प्लस r प्लस πr, कितने के इक्वल है 40 के। अब इस पूरे में से क्या को मना रहा है, सल r को मना रहा है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस 1 प्लस पाई, ठीक है, इक्वल टू 40, और पाई और पाई बाई 2 मिलकर कितना हो जाएंगे 3π बाई 2 प्लस 1, इन दोनों को ऐड करो तो क्या होगा आधा प्लस 1 मतलब 3π बाई 2, तो यहाँ से कितना जाएगा 40, ठीक है, पाई की वैल्यू रख लो 22/7, तो आर बाहर रहा, पाई कितना होगा, ये आएगा हमारा 13 × 22/7 प्लस 1, तो इसको सोल्व करें तो आर इक्वल टू कितना आएगा, ये कितना आ रहा है, ये 22/66, कुछ गलती हो रही है, रुक जाओ, अरे हाँ एक 2 भी तो रह गया, ये यहाँ पे इसका 2 रह गया है, ये 2 रह गया और ये 7 रह गया, ठीक है, तो देखो इससे इसको काट लो, तो ये कितना आ जाएगा 11/33 और अपॉन 7 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 40, ठीक है, तो यहाँ से फिर से सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 33 + 7/7 = 40, तो यहाँ से आर कितना आ जाएगा 40/7/40, तो देखो 40 से 40 कट गया और ये इधर चला गया, तो आर मेरे पास आ गया 7 सेंटीमीटर, मतलब मेरा रेडियस आ गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ये मेरा रेडियस आ गया, तो रेडियस निकालना समझ में आ गया, देखो यही सबसे बड़ी जंग थी इसमें, सबसे बड़ा टास्क, कि जब तक रेडियस नहीं निकलेगा आगे हम सोल्व ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, रेडियस आ गई 7 सेंटीमीटर, याद रखना। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, ध्यान से देखना, अब मैं किसी तरीके से AQO प्लस AP, AP, B को ऐड कर दूँ तो पूरा शेडेड एरिया आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, तो देखो ध्यान से मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, तो इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, बोल लो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कौन सा है सेमी सर्कल, AQO प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल
कौन सा सेमी सर्कल है, ए पी बी, और फिर वापस से आ जाओ इस पे, तो क्या हो जाएगा ए पी बी। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इसका एरिया क्या होता है भाई, इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है इसका एरिया। लेकिन आर कितना है, आर तो आर बाई टू है ना, ये हमारी ये है ना रेडियस, और रेडियस का आधा लेना है क्योंकि ओ ए और ये ओ बी बराबर दिया हुआ है, और ओ बी अभी हमने निकला था ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, क्योंकि यही तो हमारी रेडियस है। तो ये तो रेडियस हो गई, ये पूरी 7 है, 7, तो ये 7 इस सर्कल के लिए डायमीटर का काम करेगी ना, तो इसको आधा लेंगे तो क्या होगा पाई 7 बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो सर्कल का वो एरिया होता है पूरे सर्कल का, लेकिन सर्कल कैसा है मेरा आधा है, तो इस पूरे को कैसे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 प्लस। अब इसको देखो ये इसका क्या होगा, इसका भी वही होगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर कितना है 7। अब यहाँ पे आर हम 7 ही लेंगे, क्यों, क्योंकि ये पूरी रेडियस है, ये पूरी डायमीटर 7 प्लस 7 14, लेकिन ये तो रेडियस है तो ये हो जाएगा ये डिवाइडेड बाई। अब ध्यान से देखना, ये भी सेमी सर्कल है और पूरे सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से ये कितना आ जाएगा हमारे पास, पाई और 7 का स्क्वायर अपोन 2 का स्क्वायर अपोन 2 प्लस इधर से कितना आ जाएगा पाई 7 का स्क्वायर अपोन 2। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो क्या लिख रहा हूँ मैं पाई 7 का स्क्वायर, और देखो 2 2 4 और 4 2 8 प्लस इधर से कितना आ जाएगा पाई 7 का स्क्वायर, एक मिनट यहाँ गलत हो गया, 2 है ये, 2 4 नहीं है ये 2 है, अपोन 2। अब इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, पाई आप बोल सकते हो पाई और 7 का स्क्वायर पूरे में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच रहा है 1/8 प्लस यहाँ से क्या बचेगा 1/2, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, पाई को वैल्यू रख दो 22/7 और 7 × 7, और इसको सोल्व करेंगे तो 2 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा 8, तो इसको 8 बनाने के लिए करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो 1 + 4/8 एलसीएम ले लिया, आप लोग सोल्व कर लेना, ठीक है। अब देखो इस 7 से ये 7 कट गया, ठीक है। अब इसको देखो सोल्व करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करके कटफट के इसका आंसर आएगा 96.25, कितना आंसर आएगा 96.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अच्छे से देख लिया आपने कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, और कहाँ गलती हो सकती थी, कहाँ मैंने उस गलती से बचने का आपको सुझाव दिया, कैसे इस क्वेश्चन को टैकल किया, अच्छे से समझना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 2017 में 3 नंबर का आया हुआ है, बहुत डरावना और बहुत बेकार सवाल है ये, कैलकुलेटिव इतना क्वेश्चन है कि ये कैलकुलेशन में आपको लच के रह जाओगे, लेकिन अगर आपको इसकी लच्ची आपकी मैथमेटिक्स की लिस्ट है तो इसको कैसे करेंगे वो मैं समझाता हूँ। बस कंडीशन एक है, वीडियो को पूरा देखना, इसकी मत करना, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार क्वेश्चन है और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चनों में से एक है। क्या कह रहा है ध्यान से देखो, इन गिवन फिगर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल सेंटर दोनों की, और ये छोटे सर्कल की रेडियस दी है कितनी है, इसकी रेडियस है 21 और बड़े वाला ये सर्कल है इसकी रेडियस है 14, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब ये हमसे कह रहा है कि ये वाला हिस्सा निकालना है, ये वाला, तो ध्यान से देखना बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये हिस्सा कैसे निकलेगा कि भाई जो बड़ा सर्कल है बड़े सर्कल में से इस सर्कल को माइनस कर दो, और साथ में साथ ये देखो ये क्या बन रहा है, ये एक सेक्टर बन रहा है, एक ये सेक्टर बन गया और एक ये सेक्टर बन गया, ये दो सेक्टर बन गया ना, इसको मैं माइनस कर देता हूं दोनों सेक्टर को बड़े सर्कल में से, तो ऑटोमेटिकली जो रिमेनिंग बचेगा वो बचेगा, ठीक है। अब देखो इसको ध्यान से कैसे करेंगे, तो मैं क्या लिख रहा हूं, शेडेड रीजन शेडेड एरिया लिख लो, यही की बात है एरिया रीजन, तो मैं क्या लिख रहा हूं देखो, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल पहली कंडीशन माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक है, और माइनस एरिया ऑफ सेक्टर हुज रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर एंड माइनस एरिया ऑफ सेक्टर हुज रेडियस इज 42 सेंटीमीटर,
ठीक है। अब देखना ध्यान से, यही था मेन, अगर एज टाइप हो गया तो हो जाएगा, अगर इतना कैलकुलेटिव क्वेश्चन है कि आप इसकी कैलकुलेशन में नहीं परेशान हो जाओगे। तो देखो एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और आर कितनी दी हुई है हमें, दी हुई है कि आर ये दी हुई है सेंटर रेडियस, ठीक है। तो पाई आर 42 का स्क्वायर माइनस, फिर यहां पे क्या कर रहे हैं, पाई 21 का स्क्वायर, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान से, अब मैं मार्क पेन से लिख रहा हूं। अब एरिया ऑफ सेंटर हमें बताया क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर, आर कितना है बड़े वाले बड़े छोटे सर्कल का 21 का स्क्वायर माइनस, इसीलिए भी लगा देंगे थीटा अपॉन 360 इनटू पाई 42 का स्क्वायर, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, थीटा यहां तक समझ में आया, अब थीटा हमें दिया हुआ है, थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा हमें दिया है 60 डिग्री, तो इस थीटा की जगह मैं कितना लिख देता हूं 60 डिग्री, क्योंकि हमें थीटा दिया हुआ है, तो यहां पे कितना आ जाएगा, ये भी 60 और ये भी 60, ठीक है। तो 60 किससे कट गया, 6 से, तो यहां पे क्या बच रहा है, अब देखो ध्यान से, पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल सर पाई कॉमन आ रहा है, तो पाई मैंने बाहर निकाल लिया, यहां क्या बचा है 42 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, ये तो इसका काम हो गया, इसमें से माइनस माइनस इसमें से कॉमन गया, अभी उसमें से बात कर लूंगा, यहां पे क्या आएगा 1/6 पाई 21 का स्क्वायर माइनस 1/6 पाई 42 का स्क्वायर, क्लियर है यहां तक, ये मेरा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसको क्या करते हैं, मैं इसको यही रखते हैं, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो ध्यान से, बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है, इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, सर पाई को मना रहा है, पाई मैंने बाहर निकाल दिया, तो क्या बच रहा है 42 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, ये काम हो गया, और पूरे में से पाई को निकाला ना, तो काम कर लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि याद रहे, ठीक है, ये लो पूरे में से पाई बाहर निकाला माइनस, इधर क्या बचेगा 21 का स्क्वायर अपॉन 6 माइनस 42 का स्क्वायर अपॉन 6, क्लियर है आप तक। अब देखो ध्यान से, ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये मिटा रहा हूं क्योंकि इतना मेरा काम हो गया, ठीक है, ध्यान से जो सिखा रहा हूं वो भी सीखना साथ के साथ, कैलकुलेशन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, और एग्जाम में इसको इतनी कैलकुलेशन करके परेशान हो जाओगे, पाई यही काम मेरा, ठीक है। इसमें फॉर्मूला लगा लो, क्या लगा लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो कितना होगा 42 प्लस 21 एक ब्रैकेट में और 42 माइनस 21 एक ब्रैकेट में, ये मेरा इसे, ये इसको सॉल्व किया माइनस, अब देखो माइनस मैंने क्या किया, यहां से यहां पे कोई काम कर रहा हूं, माइनस का 1/6 बाहर निकाल देता हूं, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, माइनस को मान लिया, तो देखो ध्यान से माइनस को मान लिया तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, यहां तक समझ में आया, ये दोनों प्लस हुए, ये एक काम करो प्लस भी मत करो इसको माइनस ही रखो क्योंकि फिर फार्मूला नहीं लगेगा, तो एक काम करते हैं, इसको ये लिख सकता हूं मैं 1/6 और ये 20 कितना है, ये 21, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं 21 into 21 अपॉन 6 माइनस, इधर से क्या आ जाएगा 42 into 42 अपॉन 6, यहां तक क्लियर है। अब देखो इसको कर लेते हैं, तो ये पाई ऐसे रहा, ये कितना आ जाएगा 60 20 40 60 63 और 63 और इधर कितना है 21 एक ब्रैकेट में, ठीक है, ये पूरा कर लिए ब्रैकेट में ले लो, है ना, और ये बाहर है, बाहर मतलब पाई को माने माइनस, इधर से कितना है, तो इसे काट दो, कितना आ जाएगा ये ए छे तीन से काटेंगे तो 2 टाइम में और 3 2 3 2 क्या और 7 टाइम में, अब कुछ कर रहा नहीं चल रहा, इसको काटेंगे 6 से पूरा पूरा कट गया ये 6 7 42, ठीक है, तो कितना आ रहा है ध्यान से देखो, ये आ जाएगा 7 × 7 = 7 × 14 और इधर से कितना आएगा 7 × 14 = 7 × 28 और 1 × 29, ठीक है, अपॉन में कुछ नहीं आ रहा तो बदल, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखना ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखना अब कैसे करता हूं, ठीक है, अब ध्यान से देखना, तो ये कितना आ जाएगा पाई ऐसे ही रहा, ये 63 को ऐसे ही रखा मैंने और 21 को भी ऐसे ही रखा एक ब्रैकेट में माइनस, अब देखो यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1, तो इसकी 2 इसको 2 बनाने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, तो 2 से 1 है, पूरे के एलसीएम कितना ले लिया, अब देखो माइनस का 147 माइनस का 4 × 8 और 9 × 18 1 × 2 = 5, तो ये आ गया ना, तो ये कितना आ गया मेरे पास पाई ऐसे यहाँ 63 × 21 एक ब्रैकेट में माइनस, दोनों को ऐड करेंगे तो 8 × 7 = 15 और 15 × 8 = 12 और 1 = 13 और 5 = 6 =
अपॉन टू। अब देखो ये 735 आया तो राउंड फिगर में इसको 736 कर लेते, फर्क पड़ा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऐसा ऐसा कैलकुलेशन आसान कर लेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब फिर कैसे करेंगे, तो ये पाई ऐसे रखा मैंने है ना, और यहाँ पे कितना आएगा 63 इंटू 21 माइनस ये कट जाएगा इससे, तो तीन बारी में 12, छह बारी में और 16, आठ बारी में ये आ गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो अब फिर से देखो ध्यान से ये कितना, ठीक है, तो अब इसी मल्टीप्लाई कर लो, पाई ऐसे का मेरे पास 63 इंटू 21 तो कितना आ जाएगा ये 63 इंटू 126 मतलब 126 तो कितना आ गया ये 3 6 और 6 12 का 2 30 1323 1323 माइनस 368। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा पाई ऐसे का, और इसको माइनस करेंगे देखो ध्यान से, तो इसको कट फट के इसका फाइनल जो आंसर आएगा वो मुझे बता देता हूँ, मुझे याद है 3465 इसका फाइनल आंसर क्या आएगा 3465 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, कर लेना पाई को 22/7 रख लेना आंसर आ जाएगा, बेवजह में इतना कैलकुलेशन इतना मतलब इतना तो कर ही सकते हो यार, मैं इसलिए थी जो ऊपर में सिखा चुका हूँ इसे आगे इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि टाइम लग जाएगा ज्यादा। ठीक है, तो कैलकुलेटर भी नहीं है क्योंकि मोबाइल पर शूट कर रहा हूँ और मोबाइल मेरे सामने स्टैंड में लगा हुआ है, तो वीडियो को अच्छे से देखना, जो कंसेप्ट मैंने समझाया उसको समझ लिया होगा आपने, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और इससे पहले अब तक मैं 17 क्वेश्चन करवा चुका हूं, सारे प्रीवियस ईयर्स वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, चैनल पे जाना प्लेलिस्ट खोलना और सारी वीडियो को देखना, आपको बहुत मजा आएगा, रियली में बहुत मजा आएगा, आपको लगेगा यार इतने आसान तरीके से कर सकते हैं, इतने बढ़िया तरीके से हमने समझाया है, आपके कंसेप्ट बहुत मजबूत होंगे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल का, बहुत डरावना क्वेश्चन, मतलब इतना डरावना सर हम छोड़ देंगे, और डरावना ये बिल्कुल नहीं है, मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को भी छोड़ेंगे, क्यों समझ में नहीं आएगा, और समझ आ भी गया तो कैलकुलेशन मिस्टेक कर देंगे। मैं इस क्वेश्चन के करने का आसान तरीका भी बताऊंगा और कैलकुलेशन को कैसे सोल्व करना है वो तरीका भी बताऊंगा, बस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है ये कह रहा है थ्री सर्कल, तीन सर्कल है, ठीक है, एक ये सेमी सर्कल, एक ये और ये, तीन सर्कल है। ठीक है, इन छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी है, एक दो तीन, थ्री सेंटीमीटर, अ सर्कल ऑफ डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर एंड अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस सर्कल की रेडियस है, डायमीटर है इसकी ये डायमीटर दी हुई है कितनी 4.5 सेंटीमीटर, और जो बड़ा सर्कल है, ये जो बड़ा सर्कल देखो मैं दिखा देता हूँ, ये बड़ा सर्कल, ये वाला बड़ा सर्कल है ना, सबसे बड़ा, इसी के अंदर सारे सर्कल है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 9, और इसकी डायर रेडियस दे भी रखी है हमें। ठीक है, और ये सेमी सर्कल है, अब हमें ये निकालना है, जो मैंने ये हैशटैग बनाया है शेडेड किया है, ये वाला निकालना है, कैसे निकालेंगे देखो, नाम लिख देते हैं पूरा आराम से, यहाँ पे ए, और यहाँ पे ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, और ये एफ। ठीक है ध्यान से समझ में आया, तो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा मैं नंबरिंग कर देता हूँ, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और बड़े वाला नंबर 5, ये बड़े वाला, ठीक है, बड़े वाला नंबर 5 नंबरिंग कर देता हूँ। ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले मैं जो ये बड़े वाला सर्कल है, जो सेमी सर्कल है, इसका एरिया निकाल के उसके एरिया में से ये और ये माइनस कर दूँ और ये प्लस कर दो तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, तो यही मुझे करना है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो शेडेड एरिया। तो ध्यान से देखो, मैंने ये नंबरिंग कर दी, नंबरिंग से ज़्यादा आसान पड़ेगा, तो एरिया ऑफ फिफ्थ सर्कल मतलब बड़े वाला सर्कल। ठीक है, ये बड़े वाला पाँचवें नंबर का, ये बड़े वाला, इसको चाहो तो ऐसे मन ही मन में ऐसे पूरा कंस्ट्रक्शन कर सकते हो इस तरीके से, ये बड़े वाला सर्कल। ठीक है, उसमें से मैं किसको माइनस कर रहा हूँ, 1 को, 4 को और 3 को, तो ए माइनस एरिया ऑफ 1, देखो चलो इसको माइनस लगा लो क्योंकि ये तीन माइनस कर रहा हूँ, तो 1 प्लस एरिया ऑफ वन सर्कल प्लस एरिया ऑफ 4 सर्कल मतलब 4 लिख दिया, प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कल मतलब दूसरे नंबर का सर्कल, ये कम ब्रैकेट खत्म, प्लस इस नंबर को एरिया ऑफ सर्कल नंबर कौन सा, सर्कल नंबर 3। ठीक है,
देखो बड़े वाले में इसको ऐड कर दिया और इन तीनों को माइनस कर दिया, इससे हमें आसान पड़ेगा, नंबरिंग करके करना आसान पड़ेगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ फिफ्थ सर्कल मतलब बड़े वाले सर्कल, तो बड़े वाले सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है। देखो पाई आर स्क्वायर अपॉन टू अपॉन टू अपॉन टू सब में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब सेमी सर्कल है, इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये पूरा सर्कल है, सबसे बड़ी गलती यही हो जाएगी। तो इसको ये पूरा सर्कल है, इसको पूरा लेना है, तो क्या कर रहा हूँ मैं, पाई और आर कितना है, देखो आर कितना है मेरा 9 है, 9 का आधा 4.5, तो पाई आर 4.5 का स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया, माइनस ब्रैकेट लगाना है, ठीक है, एरिया ऑफ बंद सर्कल, बंद सर्कल का क्या होगा, ये डायमीटर दिया तो ये कितना हो जाएगा, ये पाई और आर कितना, ये डायमीटर है 3 बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि ये रेडियस है, रेडियस का स्क्वायर और उसका आधा सेमी सर्कल है, प्लस चौथा सर्कल, तो फोर्थ सर्कल भी यही है। तो एक काम करता हूँ, इसको दो बार ना लिख के इसी की टू से मल्टीप्लाई कर दूँ, मेरा काम हो जाएगा, ये यहाँ पे नहीं, ऐसे ध्यान से देखो, इसी की टू से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा सर्कल वन और फोर सेम आ जाएंगे, ठीक है। तो यही मैंने कर दिया, अब देखो ध्यान से, ये मेरा काम हो गया। अब एरिया ऑफ टू सर्कल प्लस एरिया ऑफ टू सर्कल, टू सर्कल कौन सा है, ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, अब देखना है इसमें बाई टू नहीं करेंगे क्योंकि इसमें डायमीटर है, तो इसमें 4.25 का होल स्क्वायर, लेकिन इसका अपोन नहीं करेंगे, ये सेमी सर्कल नहीं है, ये पूरा सर्कल है, ये रेडियस का आधा है, तो डायमीटर 4.5 है उसका आधा, ये ब्रैकेट वन, और इधर से ये मेरा कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ थर्ड सर्कल, थर्ड नहीं ये वाला, ये थर्ड सर्कल, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, प्लस का पाई आर कितना है 3/2 का होल स्क्वायर अपॉन टू, क्योंकि ये फिर से मेरा सेमी सर्कल है। यहाँ तक क्लियर है, अच्छे से एक एक पॉइंट समझ में आ गया होगा, तो अब देखो इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, ये हाँ ठीक है, इससे इसको काट लो क्योंकि कट जाएगा ये, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो ये ऐसे ही रहा पाई 4.5 का होल स्क्वायर अपॉन टू माइनस, देखो इधर से क्या रहा है पाई, इसको खोल देते हैं, तीन तिया नौ और नौ बट्टे चार, नौ बट्टे चार, ठीक है, प्लस पाई, इसको ऐसे ही रखते हैं 4.5 का होल स्क्वायर, और इसको फिर से खोल देंगे तो कितना जाएगा अपॉन में 4, यहाँ तक समझ में आया, प्लस इसको खोल देते हैं तो ये कितना हो जाएगा पाई, और देखो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, और 9 बट्टे 4 मतलब 9 बट्टे 8, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, स्टेप समझना बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस बच्चे को कैलकुलेशन होने के कारण ही मैक्सिमम बच्चे छोड़ देंगे, यहाँ पे ध्यान से समझना जो जो स्टेप मैंने समझाए, ठीक है। अब ध्यान से देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, ये मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। अब ये ऐसे ही रहा, तो मैंने इसको क्या कर दिया पाई 4.5 का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस पाई, माइनस को अंदर भेज दिया, तो माइनस को अंदर ये यहाँ तक ही है माइनस, ये प्लस में है, ये यहीं तक है और ये फिर अलग से है, ठीक है। तो ये माइनस को अंदर भेजे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9/4 ये आ गया, ठीक है, और ये माइनस का पाई 4.5 का होल स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, प्लस पाई 9/8, ठीक है, ये इसके लिए समझो ध्यान से, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये हो गया ना मेरा, अब देखना ध्यान से, सबसे पहले मैं पूरे में से पाई कॉमन ले लिया, मैंने पूरे में से मैंने पाई ले लिया क्योंकि पाई सबके साथ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को एक साथ रख रहा हूँ, देखो इसको और इसको, क्यों अभी समझ में आ जाएगा आपको। तो पाई इसमें देखो ध्यान से देखना, इन दोनों को एक साथ रख रहा हूँ मैं, तो पाई बाहर निकाल चुका हूँ, तो 4.5 का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 4.5 का होल स्क्वायर अपॉन 4, ये मेरा इसका काम हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को एक साथ रख रहा हूँ, इन दोनों को, ए इसको और इसको, इन दोनों को एक साथ रख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना, माइनस पाई और 9/4 प्लस पाई 9/8, ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसा, अभी आपको समझ में आएगा, देखो ध्यान से, ये मिटा देता हूँ पूरा, मैं कैलकुलेशन भी है इसमें, इसलिए मैं आपको कैलकुलेशन भी सिखा रहा हूँ साथ के साथ कि कैसे करना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पाई बाहर है पूरे में, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 4, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 4, तो इसको 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 4.5, तो 4.5 इंटू 4.5 तो 25, 5 पंजे 25, 20 25, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा मेरा
इसको देखो ये आ जाएगा 20.25 और इसकी मल्टीप्लाई किससे करूंगा मैं, क्योंकि इसका एलसीएम 4 आएगा तो इसको 2 से, तो इसकी मल्टीप्लाई 2 से स्क्वायर खोल दिया, माइनस इधर से कितना आएगा 20.25 और पूरे के अपॉन में क्या आएगा 4। ये मेरा इतना आया इस वाले हिस्से को सोल्व करके, ठीक है ध्यान से समझना, क्योंकि इसका एलसीएम 4 होगा तो इसको 2 इसका स्क्वायर करेंगे तो 20-25 आएगा और उसका दुगना हो जाएगा, तो ये मेरा काम खत्म हो गया ये, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो पाई तो भारी है, माइनस का देखो ये कितना होगा, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 8, कितना आएगा एलसीएम 8, ठीक है। और यहाँ से कितना आएगा, इसकी 2 से मल्टीप्लाइंग करेंगे क्योंकि 8 बनाने के लिए 9 दुनिया 18, 18 माइनस 9 तो 18+9, ये मेरा इतना आ गया, ठीक है यहाँ तक आया ना, क्लियर हो गया। देखो ध्यान से अब मैं कर रहा हूँ इसको, पाई ऐसे ही रहा मेरे पास, ये आ जाएगा तो कोमन लेंगे तो 20-25 ही आ जाएगा, 20.25 अपॉन 4 और माइनस का इधर से कितना आएगा, माइनस का 9/8, ठीक है। अब इसको फिर से सोल्व करेंगे, फिर एलसीएम कितना आएगा, पाई ऐसे ही रहा 20.25 माइनस देखो इधर कितना है 4 इधर 8, तो इसको फिर से कितना मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और माइनस का 9 और अपॉन में कितना आ जाएगा 8, क्यों एलसीएम कितना आएगा 8, 8 बनाने के लिए ये 4 है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये पाई ऐसे ही रहा तो 25, 20, 40, 50 माइनस 9 अपॉन 8 तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास पाई, और ये आ जाएगा 40 तो 31.50 अपॉन 8, ठीक है। अब देखो पाई ऐसे ही रहा, राउंड फिगर में इसको 32 ले लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कितना आ गया 32 और इससे इसको काट दो 4 टाइम में तो कितना आ गया ये 4 पाई, तो 4 इंटू पाई की वैल्यू रख लो 22/7 तो कितना आ गया ये 88/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही मेरा आंसर है। तो देख लिया आपने कितने आसानी तरीके से मेरे इसको करके देख सोल्व करके दिखा दिया, बहुत ही प्यारा बहुत शानदार बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चा लोग, यूनिक क्वेश्चन है यकीन मानो, अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आ गया तो अगर 10 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं मुश्किल से 1000 बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो पूरा देखना, अच्छे से समझना, स्किल समझना और नोट डाउन करना, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, बाय बाय दोस्तों। और हाँ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन बता देना, बाय बाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एरिया रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, बहुत प्यारा बहुत शानदार क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को देख के ही बच्चे डर जाएंगे, मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि बहुत डरावना क्वेश्चन है और सिंपल सा बहुत क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपके फंडामेंटल चेक कर रहा है कि आप सर्कल की प्रॉपर्टी और सर्कल के एरिया को कितने अच्छे तरीके से अप्लाई कर पा रहे हो, अगर आपको नहीं अप्लाई कर पा रहे हो तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, और अगर आपने कर लिया तो बिल्कुल देखो ध्यान से मेरे मार्कर को देखना, ये हमें शेडेड पोर्शन है, ठीक है। तो अगर मैं ये शेडेड एरिया निकालना है जिसको हैशटैग बना रखा है मैंने, इस मार्कर को देखो मेरे मार्कर को, इस वाले एरिया में से इस पूरे स्पेस से मतलब ये सेमी सर्कल में से ये दो माइनस कर दूं और इसको ऐड कर दूं तो शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यही मुझे करना है, मैं क्या लिख रहा हूं, शेडेड एरिया ध्यान से देखना, ठीक है। तो क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ये, ठीक है, कौन सा भाई, एरिया ऑफ सेमी सर्कल सब में कॉमन है तो मैंने बाहर लिख दिया, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कौन सा है, एक तो लिख लिया मैंने ए पी डी प्लस प्लस में बी सी आर माइनस ए क्यू बी माइनस सी एस डी, ठीक है ये कर दिया मैंने। अब देखना ध्यान से, मैक्सिमम बच्चे इसकी रेडियस लेने में गलती कर देंगे, इस सर्कल के लिए ये पूरी डायमीटर है, क्या है ये पूरी डायमीटर है तो इसकी डायमीटर को मैं ये लिख सकता हूँ, यही सोल्व करके तो 3/5 क्योंकि 3.5 करेंगे तो कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तो ये डायमीटर है और डायमीटर का आधा क्या होता है रेडियस, तो इसकी रेडियस कितनी हो गई 7/4, ये हो गई रेडियस इस वाले एरिया की। सिमिलरली इसकी रेडियस 7 है तो इसका तो 7/2 हो जाएगा डायरेक्ट, इसकी भी सेम वही हो जाएगी 7/4, इसकी भी रेडियस क्या लिख सकता हूँ मैं 7/4, मेन सबसे जरूरी ये चीज़ था। अब देखो एरिया बाई सर्कल का पता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, तो एक काम करता हूँ पाई और अपॉन 2 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ क्योंकि ये सभी में कॉमन आएगा भाई, देखो पाई आर स्क्वायर बाई टू क्योंकि सारे सेमी सर्कल हैं, मैंने पाई बाई टू को बाहर निकाल दिया। सर आपने एरिया रेडियस वाला क्यों नहीं निकाला, भाई रेडियस सबकी अलग अलग है, तो सबसे पहले इसकी करते हैं बड़े वाले की, एपीडी की रेडियस कितनी है 7, इसकी तो पता है
3.5, 3.7 और 7.14 मतलब डायमीटर हो गया, डायमीटर का आधा रेडियन, तो 7/2 का होल स्क्वायर, ये तो इसका आ गया, प्लस 20000 का कितना होगा देखो, तो ये डायमीटर है और डायमीटर का आधा 7/2 और उसका स्क्वायर, तो मतलब ये रुक जाओ, इसका तो डायरेक्ट हाँ ये तो 7 ही आएगा, इसमें नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसकी तो रेडियस पूरे वाले की पता चल गई, इसकी पता करनी है, तो इसकी देखो कितनी आ रही है 7/2 का होल स्क्वायर, ठीक है इसकी। अब ध्यान से देखना, माइनस ये सर्कल और ये सर्कल दोनों सेम ही सर्कल है, तो इसका डबल कर दूं तो इस पूरे का एरिया आ जाएगा, तो 2 × इसका देखो रेडियस कितनी है 7/4 और उसका स्क्वायर मतलब 7/4 का होल स्क्वायर, ये समझ में आया दोनों, ये मैंने बाहरी निकाल रखा है, तो 1/2 × पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। अब यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 49 + 49/4 माइनस, देखो इसको सोल्व करेंगे तो 49 और 16 और 16 इससे कट जाएगा, तो कितना बचेगा, या फिर ऐसे कर लो डायरेक्ट, देखो नहीं ये नहीं करोगे तो फिर आप गलती कर दोगे, है ना, इसको 2 ही रखो और इसको 4, तो ये 4 × 16 और इसका 49, तो 49/16 और टी कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 49/8। ये समझ में आया कि नहीं, अब ध्यान से देखना 22 ऐसे ही रहा और 7 × 14, ठीक है। अब देखो पूरे का एलसीएम कितना ले लिया मैंने, पूरे का एलसीएम ले लिया मैंने 8, ठीक है 8। अब 8 बनाने के लिए ध्यान रखना, 8 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करूं भाई, इधर कुछ नहीं है तो 8 से, तो 49 × 8 प्लस इधर 4 है तो इसको कितना करेंगे 49 × 2 और माइनस 49। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, ये देखो ध्यान से मैं आपको इसकी कैलकुलेशन स्किल भी सिखा रहा हूँ कि कैलकुलेशन में कैसे स्कूल वो पेपर में कितनी जल्दी करेंगे, तो ध्यान से देखो यहाँ से, तो 22/14 × अब देखो इधर 49 है, इधर 49 है, इधर 49 है, 49 को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ 49, तो इधर क्या बचा, ये 49 गया, ये 49 गया, यहाँ 40, यहाँ 0 नहीं बचेगा, इधर 1 बचेगा, तो 8 + 2 तो 8 + 2 -1/8, ये समझ में आया कि नहीं। अब देखो ये कट जाएगा किससे, 7 × 14 और 7 × 49 और इससे ये कट जाएगा 11, तो मेरा अल्टीमेट कितना आ गया 77 × 8 और 2 = 10 और 1 9/8। यहाँ तक क्लियर है, अब देखो ध्यान से इसको सोल्व करेंगे तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना आ गया 9 × 7 = 63 और 6 × 9 = 63 64 65 66 67 68 69 / 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही मेरा आंसर है। देख लिया आपने कितना बेहतरीन क्वेश्चन और कैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको अच्छे से सोल्व कर दिया, अल्टीमेट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको करवाए नहीं जाते तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एग्जाम में नहीं आएंगे, 2015 में आ रखा है तो ऐसा नहीं है, बोर्ड अपने पिछले 10 साल की रिपीट करता है, उन्हीं रिपीटेशन में से ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आराम से देखना जितने स्टेप बताए हैं मैंने उनको नोट डाउन करना, वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, नहीं समझ में आएगा, और एक एक पॉइंट लिखना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, बाय बाय दोस्तों। 2015 में 4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है एरिया रिलेटेड टू सेक्टर का, और ये आपके टेस्ट बुक का भी क्वेश्चन है, बच्चों को इस क्वेश्चन से बहुत डर लगता है, डर इन द सेंस इसलिए लगता है कि समझ नहीं पाते ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आपके बुक में इधर पी आर एस और पी क्यू पे फ्लावर बेड बना रखा है, ये क्या बता रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये कह रहा है कि साइड जो है पी क्यू को 42 सेंटीमीटर कितनी है 42 सेंटीमीटर, ठीक है ध्यान से देखना, और ये पी एस की कितनी है, ये 42 सेंटीमीटर है, क्यों, क्योंकि भाई स्क्वायर है तो स्क्वायर की बोथ साइड्स आर से, ठीक है। अब ये कह रहा है टू सर्कुलर फ्लावर बेड ऑन द ये ठीक है फाइंड द एरिया, अब देखो ध्यान से इसको देखना मेरे माइंड में, हमें पता है कि भाई ये कुछ नहीं दिख रहा है, अभी कुछ नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहले डायगोनल को बाइसेक्ट करवा देते हैं, क्यों, उससे हमें ये पता चल जाएगा, इसको मिला दो इससे, इसको और इसको मिला दो इससे, कोई सेगमेंट है, कौन सा सेगमेंट है पता नहीं, मेजर है माइनर है नहीं हमें नहीं आता है, लेकिन हमें यह पता है कि स्क्वायर के जो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री करते हैं, ठीक है 90 डिग्री। अब ध्यान से देखो
ये एक तरीके से कुछ कुछ सेक्टर जैसे दिख रहा है, वो सेक्टर जैसा, हाँ क्यों, क्योंकि सेक्टर कैसे बनेगा, रेडियस से, ठीक है, या सेगमेंट मान लो, चलो ये सेगमेंट जैसे दिख रहा है, तो सेगमेंट के लिए हमें पता है थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, तो इस पूरे सेगमेंट से, इस वाले से आर ओ क्यू और यहाँ पे कोई नाम दे दो पी और यहाँ पे नाम दे दो के, तो आर पी क्यू ओ आर, इस पूरे सेगमेंट में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, तो ये वाला एरिया बचेगा सिर्फ ये वाला, बिल्कुल, और इसका मैं डबल कर दूं तो पूरे का जाएगा, बिल्कुल, लेकिन सर ट्रायंगल की साइड जो हमें पता नहीं, बिल्कुल नहीं पता है, तो एक काम करते हैं ये लगा देते हैं, कौन सा, इन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल, आर ओ क्यू में, आर ओ क्यू अप्लाई पाइथागोरस, पाइथागोरस में अप्लाई करना है, देखो 90 दिख जाए तो सिंपल सा है, आर बनकर के पाइथागोरस लगा, हमें क्या पता है 90 एग्जाम में हाइपोटेन्यूज, तो पहले पूरा लिख लेते हैं, h² = p² + b², एच कितना है 90 एग्जाम में, एच क्यू, एच कितना है आर क्यू, आर क्यू का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर ओ का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर, अब देखना ध्यान से देखना बच्चा लोग, तभी आपको समझ में आएगा, ये साइड मुझे पता है कितनी है 42 स्क्वायर की ओर साइड, ये साइड नहीं पता, तो देखो आर ओ बाइसेक्ट कर रहा है और आर क्यू बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये बाइसेक्ट करते हैं तो ये इक्वल हो, ऐसे भी समझ, ठीक है, यही समझ लो कि ये जो ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट की रेडियस है, तो दोनों साइड इक्वल होंगे, उसकी प्रॉपर्टी है किसकी, स्क्वायर की, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, और डायगोनल मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करता है, मतलब ये साइड बराबर होगी, ठीक है, तो यहां से मैं x और x की डिफरेंस लिया, तो ये क्या हो जाएगा x² + x², ठीक है, और यहां पे r कितना है 42, तो यहां से कितना आ जाएगा ये 42 का स्क्वायर इक्वल टू x² + x², तो ये कितना हो जाएगा 2x², और 42 का स्क्वायर कितना होता है 42 × 42, तो ये हो जाएगा 84 और 4 × 8 और 4 × 16 कितना जाएगा 1614 और 8 × 16 1764 कितना है 1764 तो यहाँ से कितना जाएगा ये x² = 1764/2 तो यहाँ से कितना जाएगा x² = ये कटा तो 16 8 बारी में 4 2 बारी ठीक है तो यहाँ तक क्लियर है 882 बार ठीक है अब ध्यान से देखो x² = 882 को मैं ये लिखता हूँ 441 × 2 सर ये क्यों लिखा आपने क्योंकि मुझे पता है 441 किसके स्क्वायर होता है किसका होता है ये शायद 21 का होता है ठीक है तो यहाँ से x कितना आ जाएगा √2 × 441 कंप्लीट स्क्वायर होता है किसका होता है 21 का तो यहाँ से कितना आएगा ये मतलब मुझे ये साइड पता चल गई कितनी है कि भाई 22 सेंटीमीटर है यहाँ तक क्लियर है अच्छे से मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा अब मैं ये भी ध्यान रखते अब मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखना अच्छा क्वेश्चन है बहुत प्यारा बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत परेशान करता है अब मैं एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब कौन सा मतलब शेडेड एरिया ऑफ वन शेडेड रीजन मतलब एक का निकाल रहा हूँ तो इसको क्या कर देता हूँ मैं एरिया ऑफ सेगमेंट माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट सेक्टर लिखो सेगमेंट पे सेक्टर ठीक है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल तो देखो ये कितना होता है हमें पता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ट्रायंगल का क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ठीक है अब देखो ध्यान से थीटा कितना था 90 डिग्री दे रखा है अपॉन 360 इंटू पाई कितना है 3.14 यूज करता है आर हमने कितना निकाला था 21√2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू बेस इसका बेस वही होगा और हाइट दोनों सेम होगी तो क्या आएगा यहाँ पे 21√2 × 21√2 अब देखो ध्यान से ये लंबी चौड़ी कैलकुलेशन आपको देखने में लग रही होगी परेशान करने वाली लेकिन ध्यान से देखो कैसे कर रहा हूँ मैं इसको इसके हटा दो तो कितना आएगा ये आएगा 1/4 तो 1/4 × 3.14 × अब देखो इसको ये लिख सकता हूँ मैं
21 into 21 और √2 √2 मिलके 2 माइनस देखो अब यहाँ से क्या जाएगा 1/2 इंटू इसकी मल्टीप्लाई तो 4 4 1 याद है मुझे आपको ये और √2 √2 मिलके 2 तो इससे ये कट गया तो ऊपर का हिस्सा बचा देता हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं बची है आपको देखने के लिए यहाँ देखो ध्यान से ठीक है देखो ध्यान से तो यहाँ से कितना आ रहा है 1/4 × 3.14 × 21 × 21 तो कितना आ रहा है 4 4 1 × 2 − 4 4 1 अब देखो इसको और आसान करते हैं इससे ये कट गया 2 टाइम में और इससे ये कट गया कितने टाइम में ये आएगा हमारा 1.57 ठीक है अब पूरे में से ये कॉमन आ रहा है 4 4 1 बिल्कुल आ रहा है तो 4 4 1 मैंने कॉमन निकाल लिया क्या बचा यहाँ पे 1.57 माइनस 1 देखो ये बाहर आएगा तो यहाँ से 4 4 1 कॉमन आ जाएगा तो 1 ही तो बचेगा तो 1 तो ये से कितना आएगा 4 4 1 माइनस 4 4 1 इंटू 0.57 यहाँ तक क्लियर है आपको अच्छे से कैलकुलेशन को मैंने बहुत ईजी करने की कोशिश की है तो इसको सोल्व करके इसकी मल्टीप्लाई करके आएगा 690 ये मल्टीप्लाई करके आएगा रुक जाओ तो 4 4 1 की मल्टीप्लाई करते हैं 0.57 से तो 7 × 7 = 28 2 × 7 = 28 29 30 काटा 5 5 = 20 0 2 5 = 20 21 22 तो 7 8 5 13 और 5 और 2 ठीक है तो कितने के बाद कर गया 1 तो ये कितना आ गया 251 मतलब राउंड फिगर में 251.37 राउंड फिगर में अप्रोक्सीमेट 252 ले लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ये सिर्फ इसका निकला अब इसका मैं 2 टाइम कर दूंगा तो दोनों बैठ के निकल जाएगा तो अब क्या लिख रहा हूं एरिया ऑफ शेडेड पार्ट एरिया ऑफ बोथ शेडेड पार्ट तो ये कितना रहेगा जो मेरा है 252 मल्टीप्लाई 2 तो कितना आंसर आ गया ये 5504 सेंटीमीटर स्क्वायर तो देख लिया मैंने कैसे कैलकुलेशन को कितनी आसानी से कर लिया बिना किसी झंझट के और बिना कितने इजी तरीके से तो इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं वीडियो को पूरा अच्छे से देखना आपको सारे स्टेप समझ में आ जाएंगे और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन नंबर 13 2014 में 4 नंबर आया हुआ है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन ये सिंपल सा तभी है जब हमें इस टाइप देगा हमें देखो कैसे दिया हुआ है ध्यान से देखना हमें क्या क्या दिया हुआ है और कैसे निकालेंगे अ स्क्वायर ओ ए बी सी ओ ए बी सी स्क्वायर है रेक्टेंगल का समझ लेना इन अ क्वाड्रेंट ओ क्यू ओ पी बी क्यू ओ पी बी क्यू एक क्वाड्रेंट है मतलब ये सर्कल है पूरा ये सर्कल ऐसे और सर्कल का क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट सर्कल इफ ओ ए ओ ए हमें दे रखा है कितना 20 सेंटीमीटर मतलब ओ ए दे रखा है कितना 20 सेंटीमीटर तो क्या कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन शेडेड रीजन कहां है यहां है सर ये वाला ये वाला शेडेड रीजन है ये वाला ठीक है ये वाला ये अंदर ठीक है करेंगे कैसे ध्यान से अब आप सीधा यही कहोगे कि सर क्वाड्रेंट में से स्क्वायर का एरिया माइनस कर दे आंसर आ जाएगा बिल्कुल आएगा वैसे ही आएगा लेकिन इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए हमें रेडियस चाहिए हमारे फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर बाई 4 आर कितना है सर आर कैसे निकालेंगे तो इसमें कंस्ट्रक्शन करना होगा कंस्ट्रक्शन मतलब ओ से बी को मिलाओ ठीक है ओ से बी अब ओ से बी जो होगी यही रेडियस होगी सर इसको कैसे निकालेंगे इसको देखो हमें पता है स्क्वायर में सारे एंगल कितने होते हैं 90 डिग्री तो 90 के सामने क्या हो गया हाइपोटेनियस तो हाइपोटेनियस अगर मैं किसी तरीके से निकाल दूं तो वही हमारा रेडियस हो जाएगी बिल्कुल हो जाएगी तो मैं क्या लिख रहा हूं इन ट्रायंगल एओबी मैं क्या कर रहा हूं मैं अप्लाई पाइथागोरस ठीक है पाइथागोरस अप्लाई कर रहा हूं तो क्या होता है भाई पाइथागोरस h² = p² + d² h कितना है हमें पता है 90 डिग्री सामने हमेशा हाइपोटेनियस होता है अगर ये थीटा ले लो तो थीटा से लगता है वो 20 होता है तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस मतलब OB का स्क्वायर इक्वल टू OP मतलब OP P कितना है थीटा के सामने परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर
टीपी का स्क्वायर प्लस बी कितना है, बी वो सी हमारा ओए का स्क्वायर ठीक है। अब ये ओए स्क्वायर ऐसे रहा सर, ओए कितना लेंगे, ए बी कितना लेंगे, देखो ए बी क्या है स्क्वायर है तो हमें पता है स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर की सारी साइड्स कैसे होंगे इक्वल, तो जो ए बी है वही ओए है तो मुझे यहाँ से कितना लेगा 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। और मैंने एक रूल बताया था आपको याद होगा कि नहीं, मैंने ये बताया था कि जब भी हम पे एक का स्क्वायर इक्वल टू सेम दो के स्क्वायर के बराबर होगा तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं ओ बी इक्वल टू, देखो तो यहाँ पे आएगा 20 और ये कितना आएगा अंडर रूट 2। कैसे आया देखो मैं सोल्व करके बता देता हूँ, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 प्लस 400 तो ये कितना जाएगा 800। अब 800 को मैं ये लिख सकता हूँ 8 × 10 × 10 और 8 को फिर से मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 × 10 × 10 और इस पूरे पे जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आएगा, तो अंडर रूट में क्या होते हैं दो पेयर मिलकर एक बाहर आ जाता है तो यहाँ से 2 आ गया यहाँ से 10 आ गया बच गया अंडर रूट, तो अल्टीमेट आंसर कितना आ गया 20 रूट। तो इसको आप डायरेक्ट याद रखना है, एग्जाम में ये करने से बढ़िया है कि हमारा टाइम बचेगा, एग्जाम में ये फालतू की कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, डायरेक्ट लिख दो एग्जामिनर कुछ नहीं कहेगा आपको नंबर पूरे देगा। तो अब ये मेरे को पता चल गया ओबी आ गया ठीक है। अब हम अपना वही अप्लाई कर रहे हैं कौन सा अप्लाई कि भाई एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्योंकि अब हमें रेडियस पता चल गई तो शेडेड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये कैसे निकलेगा सिंपल सा है, देखो एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या है भाई पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 ठीक है, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड का स्क्वायर ठीक है, तो यहां से कितना जाएगा देखो पाई बाई 4 आर हमने कितना निकाला था 20√2 का होल स्क्वायर माइनस साइड कितनी है 20। अब देखो ध्यान से इसको नेसेसरी सोल्व करके काटा पीटी मत करो कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, यह हमने ये क्वेश्चन इसलिए दिया। अब देखो इसके आगे इसको कैसे करें यहां तक समझ में आ गया आपको अच्छे से, तो देखो ध्यान से इस पूरे में से मैंने क्या किया अननेसेसरी कैलकुलेशन मत कर, 20 को कॉमन ले लिया मतलब 20 को हटा दो तो क्या आएगा 20 का स्क्वायर बाहर निकाल दिया, यहां पे क्या बचा देखो 20 को इसलिए मैंने कट कर दिया मतलब बाहर निकाल दिया ठीक है। तो यहां से कितना बचेगा पाई बाई 4 इधर कितना बचेगा √2 का स्क्वायर 2 और माइनस 1, तो देखो कितनी सिंपल कैलकुलेशन हो गई 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 और यहाँ क्या बचा ब्रैकेट में पाई बाई फोर इंटू 2 माइनस 1, तो इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 400 और यहाँ से पाई के वैल्यू कितनी रखनी है 3.14 तो इससे ये कट गया कितना आया देखो ध्यान से इससे ये कटा तो ये आ गया 2 और पाई की वैल्यू कितनी रखनी है 3.14 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 400 और यहाँ से कितना आएगा ये इसको फिर से फर्दर काट देंगे तो ये आ जाएगा 1.57 माइनस 1, तो इधर से कितना बचेगा 400 × 0.57 तो पॉइंट इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा 228 cm², यही इसका आंसर है। तो देख लिया आपने किस तरीके से मैंने इसको कितना इजीली सोल्व कर लिया, इसको आसानी से अच्छे से नोट डाउन कर लेना जो जो स्टेप बताया मैंने उसको नोट डाउन कर लेना ठीक है, नोट डाउन करो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शो टाइम पे। हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल कर रहे हैं और इसके अब तक हम 22 क्वेश्चन कर चुके हैं, सारे प्रीवियस ईयर्स वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे जो 2016 में 3 नंबर का आया हुआ है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन ये क्वेश्चन भी हमसे गलत हो सकता है, कैसे देखो ध्यान से फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड, शेडेड ये वाला एरिया निकालना है मुझे, ये वाला देखो ये वाला शेडेड ये पूरा शेडेड एरिया निकालना है ठीक है। तो क्या करते हैं सर, सिंपल सा जो एक बारी में देख के लग रहा है कि सर एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल लिखा भी है इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ सर्कल प्लस इक्विलेटरल ट्रायंगल को ऐड करो तो आंसर निकल जाएगा जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसको अगर मैं सर्कल ऐसे कंप्लीट करता हूँ, देखो ध्यान से इसको मिटा के अगर मैं ये बनाता हूँ तो ये मेरा सर्कल बन गया बिल्कुल, अगर मैं सर्कल में इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ऐड करता हूँ तो ध्यान से देखना इस चीज़ को, ये हिस्सा दो बार आ जाएगा, ये वाला हिस्सा ये हिस्सा क्या है ये मेरा सेक्टर बन गया
ठीक है, ये देखो ये हिस्सा दो बार आ जाएगा, तो दो बार आ गया तो इसको क्या करेंगे, तो सिंपल सा है, एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो वही मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्या लिख रहा हूँ मैं, शेडेड रीजन, शेडेड रीजन एरिया। तो देखो कैसे कितने प्यार से, सबसे पहले क्या लिख रहा हूँ मैं, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर लिख लो, माइनर सेक्टर। यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें अच्छे से? अब देखो ध्यान से, स्टेप देखना, हमें सर्कल की रेडियस पता है, बिल्कुल दे रखी है, कितनी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड पता है, बिल्कुल पता है 12 सेंटीमीटर, बस हो गया हमारा काम। ये एंगल देखो ध्यान से, ये 6, ये एंगल दिया हुआ है कितना, 60 एंगल नहीं दिया हुआ है, हाँ, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो भाई सारे एंगल कितने के होंगे, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, तो एंगल हमें कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल रूट 3/4 साइड स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ पे? अब देखना ध्यान से, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू रख देता हूँ, पाई ऐसे ही रहा, आर कितना है सर्किट 6 का स्क्वायर प्लस रूट 3/4 12 का स्क्वायर माइनस थीटा कितना है 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई और आर कितना है 6 का स्क्वायर। तो देखो ये मेरा कट गया इससे, कितने से 6 से, तो इसको और इसको एक साथ लिख देता हूँ, क्यों, क्योंकि दोनों में क्या आ रहा है, पाई 6 का स्क्वायर माइनस 1/6 पाई 6 का स्क्वायर, क्यों लिखा अभी आपको समझ में आ जाएगा, प्लस रूट 3/4 12 का स्क्वायर, मतलब 12 इंटू 12। क्लियर है यहाँ तक? आराम से समझ में आ गया होगा, सिंपल सिंपल से स्टेप है, कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो इसको सोल्व करना ही अपने आप में बहुत बड़ी टास्क है, मैक्सिमम बच्चे इसको सही से सोल्व भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये क्वेश्चन दिया गया है। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से, यस सर, पाई बाई से पाई और 6 का स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 1/6 और प्लस, इसको इससे काट दो, देखो 4 3 12 और 3 12 3 36 36√3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, पाई 6 का स्क्वायर, और इसको देखो अब इसको सोल्व करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 एलसीएम लेंगे, 6 माइनस 1 अपॉन 6 प्लस 36 और रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73, तो इसको अब सोल्व कर लेते हैं, यहाँ से कितना आ जाएगा, पाई इंटू 6 इंटू 6, पाई की वैल्यू रख लो 22/7 और यहाँ से कितना आएगा 5/6 और प्लस में ये मल्टी इरेज कर देता हूँ, यहाँ से कितना आ रहा है, देखो इसको यहीं रखते हैं, अगली स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो इस 6 से ये 6 कट गया, तो इधर कितना आ गया, 6 5 30 और ये 22, तो 22 × 30/7 प्लस 36 × 1.73, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया मेरे ख्याल से, एक एक स्टेप क्लियर हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 660/7 प्लस 36 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर पे, तो ये आएगा मेरा 36 × 7 और इसको मल्टीप्लाई करके 1.73 × 36, तो 6 3 18 6 7 42 और 1 43 6 1 6 और 4 8 10 इंटू 3 3 9 7 21 का 1 2 3 3 और 2 5 8 12 52, ठीक है, कितना आ रहा है 52.28, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसको मैंने डिवाइड करना है किसको, 6 इसको, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना, 660 को 7 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 94.28, कितना आएगा 94.28 प्लस इसमें ये ऐड करेंगे 52.28, तो मेरा आंसर फाइनल क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा मेरा 156.16
सेंटीमीटर स्क्वायर, यही मेरा आंसर था। तो मेन इसमें सबसे बड़ी बात थी कैलकुलेशन स्किल की। तो आपने देख लिया होगा कैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने धीरे धीरे एक एक स्टेप लिखा, उसको कैसे सोल्व किया, कैसे अप्रोच करी। एग्जाम में भी यही अप्रोच आपको फॉलो करनी है। अच्छे से वीडियो को देखना, पूरी वीडियो देखना, जो पार्ट ना समझ में आया उसको पोज करके लिखना और अपने नोट्स बनाना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, ये भी 2016 में 3 नंबर का आया था। 16, 17, 18 वो समय था जब आपके एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते थे। उस समय के क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन हुआ करते थे। उन्हीं की प्रैक्टिस मैं इसलिए करवा रहा हूँ, क्या पता बोर्ड ने इस बार थोड़ा लेवल ऊपर कर दिया या थोड़ा डाउन कर दिया, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऐसा कुछ फिक्स तो नहीं है कि भाई हल्के ही क्वेश्चन पूछेगा, कभी अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिए तो आप स्टक ना हो, इसलिए इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर देखो, ये क्या कह रहा है कि ये फिगर जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिनका सेंटर ओ है, हमें ये शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। तो ध्यान से देखो करेंगे कैसे। यहाँ पे आपको दो सेक्टर दिख रहे होंगे, देखना ध्यान से। एक सेक्टर ये दिख रहा है, ये देखो ए ये वाला, एक सेक्टर ये दिख रहा है और एक सेक्टर ये दिख रहा है, ये बड़े वाला, ये वाला सेक्टर दिख गया आपको। दो सेक्टर दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये दो सेक्टर। तो किसी तरीके से बड़े सेक्टर में से इस छोटे सेक्टर को माइनस कर दूँ तो मेरा काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो बड़े वाले सेक्टर में ये छोटा वाला तो ऑलरेडी इंक्लूड हो गया ना। तो अगर आप अगर बड़ा प्लस छोटा कर रहे हो, बड़ा एरिया ऑफ बड़ा सेक्टर मतलब एरिया ऑफ ओ ए सी सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ओ बी डी सेक्टर, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए ओ सी में ओ बी डी तो ऑलरेडी शामिल हो गया ना, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यही हम कर लेते हैं, क्या लिख रहे हैं हम कि एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ क्या लिख रहे हैं, मेजर सेक्टर ठीक है। मेजर सेक्टर कौन सा है? ओ ए सी। तो क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर, हमें पता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ये क्या होता है जी, ओ बी डी है ना हमारा, ये भी क्या होता है हमारा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। सर अलग अलग क्यों किया? देखो अभी समझ में आ जाएगा, कैसे समझ में आ जाएगा देखो ध्यान से। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, शेडेड एरिया ठीक है। शेडेड एरिया क्या होगा, मेजर सेक्टर माइनस माइनर सेक्टर। अब देखो ध्यान से, मेजर कितना है भाई, मेरा वैल्यू रख लेते हैं 40 डिग्री। तो 40 अपॉन 360 इंटू पाई और इसकी आर दी हुई है, कितनी दी हुई है 14 का स्क्वायर माइनस 40 अपॉन 360 इंटू पाई और इसकी कितनी दी हुई है 7 का स्क्वायर। अब देखो इससे कैलकुलेशन आसान पड़ेगी, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है ध्यान से देखना। इससे कैलकुलेशन ज़्यादा आसान पड़ेगी इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। यहाँ देखो, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये कट गया, कितना गया 1/9 और ये भी कट गया, कितना गया 1/9। तो मैं 1/9 और पाई कॉमन ले रहा हूँ, तो अंदर क्या बचा, क्योंकि ये तो दोनों में आ रहा है ना देखो, तो 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। अब देखो हम अननेसेसरी कैलकुलेशन से बच गए, कैसे? तो ये कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 1/9 और देखो इसको मैं ये लिख सकता हूँ a+b a-b, तो मतलब 14+7 और 14-7। तो देखो अब मेरी कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाएगी, 22/7 इंटू 22/7 इंटू 1/9 इंटू, अब देखो ये ऐड करेंगे तो 21 और इसको करेंगे तो 7। तो देखो इस 7 से ये 7 कट गया और ये 3 से कट गया, 3 जा और 3 7 जा, तो अल्टीमेट कितना आंसर आ गया मेरा 154/3। तो इसको सोल्व करेंगे 154/3 तो 15 ये आ जाएगा 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देख लिया कितने आसानी से मैंने इसका आंसर निकाल के सोल्व करके रख दिया।
सिंपल सा है ना, तो कोई अननेसेसरी कैलकुलेशन भी नहीं लगी और कैलकुलेशन की स्किल भी सीख ली आपने साथ के साथ। तो यही सिखाना था, बजाय आप इसको सोल्व करोगे, इसको डिवाइड करोगे, 14 का स्क्वायर 196 लिखोगे, फिर काटोगे पीटोगे, उससे लंबा होगा। इससे बड़े ये तरीका अपनाओ, इसमें कहाँ कैलकुलेशन लगी, देखो ना कितने सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी करना है, ताकि आपकी स्किल अच्छे से हो और आपके कम समय में बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ जाए। अच्छे से देखना वीडियो को, जो चीज़ समझाई है उसको समझने की कोशिश करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। जो बच्चे पहली बार चैनल पर आए हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इससे पहले अब तक मैं 23 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, सारे प्रीवियस ईयर्स वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तो चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट खोलना, प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर फोल्डर मिल जाएगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल 2023-24 नाम से, उसमें सारी वीडियो आपको लाइन से ऑर्डर वाइज मिल जाएगी। तो उन सारी वीडियो को देखो और अपने कंसेप्ट मजबूत करो। एग्जाम में पूरा स्कोर तभी होगा जब आपके पूरे कंसेप्ट पड़े हुए होंगे, एनसीईआरटी में सारे कंसेप्ट नहीं है। तो इसलिए प्लीज़ मेरी बात को समझो और वीडियो को एक बार जरूर जाके देखना, और कैसी लगी ये भी बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, 2019 में चार नंबर का आया हुआ है, बहुत सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। इस ये बेसिक क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन कर लिया तो इसके जो रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। एक एक पार्ट देखेंगे और समझेंगे क्या पूछ रहा है। ये हमें फिगर दी हुई है, ठीक है, ये फिगर दी हुई है, ये एंगल है 60, ये एंगल 60 है ना, और ये साइड 21। हमें पूछ रहा है लेंथ ऑफ एन आर्क। तो देखो आर्क की लेंथ निकालने का, आर्क ये है मेरी APB, ये मेरी आर्क है, ठीक है, ये APB। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने का हमें फार्मूला पता है, तो क्या लिख रहे हैं, फर्स्ट पार्ट लेंथ ऑफ एन आर्क। आर्क क्या है भाई हमारे पास, APB, और इसका फार्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, ठीक है। अब देखो ध्यान से, थीटा कितना है 60 डिग्री, और ये कितना आ जाएगा 360, तो और ये 2 इंटू पाई कितना है 22/7, और आर कितना है, आर है 21। अब देखो इससे ये कट गया कितने टाइम में, 1/6, और इधर से ये कट गया कितने टाइम में, 3 टाइम में। अब देखो ये 6 है और 2 3 6, तो इस 6 से ये पूरा कट गया, तो अल्टीमेट कितना आंसर आ गया, 22 सेंटीमीटर, ये मेरी आर आ गई, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा था, कोई क्वेश्चन में दम नहीं था। दूसरा पार्ट देखते हैं, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर कौन सा है मेरा, ध्यान से देखो, सेक्टर है मेरा OAPB। यहाँ देखो ध्यान से, O से A, A से P और P से फिर B और फिर ये मेरा सेक्टर बन गया, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB और फिर O, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर OAPBO, ठीक है। ध्यान से समझना कैसे निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर का हमें फार्मूला पता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा कितना है 60 डिग्री, और ये है 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर कितना है 21 का स्क्वायर। तो देखो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया कितना, 1/6, तो 1/6 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 21 इंटू 21, ठीक है। अब देखो ये इससे कट रहा है कितनी बारी में, 3 टाइम में, ठीक है, क्लियर है ना। अब देखो ये इससे कट गया 3 1 जा 3 2 जा, और ये इससे कट गया 11 टाइम में, तो ये कितना आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आ गया एरिया ऑफ सेक्टर, क्लियर है। अब देखो दो पार्ट तो इसके बहुत आसान थे, सिंपल से थे, इसमें कोई दम नहीं था। तीसरा पार्ट देखते हैं, ठीक है, तीसरा पार्ट देखते हैं वो कैसे होगा। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है, सेगमेंट मतलब ये शेडेड एरिया, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ये ग्रीन सा, ये वाला, लो मैं इसको हैश कर देता हूँ, ये वाला एरिया देखो, ये वाला, यही तो सेगमेंट है। तो इस सेक्टर में से, ये जो पूरा सेक्टर था मेरा OAPBO, इस पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल को मैं माइनस कर दूँ तो ये मेरा एरिया आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। सर ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 60 है तो ये इक्वल साइड सबस्टेन इक्वल एंगल, तो ये एंगल जो होगा ये भी थीटा होगा, और इधर ये एंगल होगा ये भी थीटा होगा, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, थीटा प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180,
सर ये आपने कैसे लिख दिया, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 थीटा इक्वल टू 180 माइनस 60। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 120 डिवाइड बाई 60। तो मतलब वो 120 डिवाइडेड बाई 2, किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से। तो कितना आ गया ये, 60 डिग्री। मतलब ये एंगल तीनों हमें मुझे पता चल गया कितने हैं, 60 60 60। मतलब ये कैसा ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। तो वही मैं कर रहा हूँ, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर तो हम निकाल चुके हैं, कितना आया ये 231, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर, और साइड कितनी है, 21 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 231 माइनस √3 की वैल्यू रख लो 1.73 डिवाइडेड बाई 4, और इधर से कितना आएगा, 21 इंटू 21। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, 231 माइनस 1.73 डिवाइड बाई 4, और इसको करेंगे तो 441। ठीक है, अब देखो ध्यान से, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मैं राउंड फिगर में 440 ले लूँ, कोई ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं, पड़ा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, इससे देखो ये पूरा कट जाएगा, कितने 100 और 80 10 110। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करना ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो देखो 1.73 की मल्टीप्लाई 110 से। ठीक है, तो क्या आएगा, देखो ये 000 काटा तो 1371 और 173 यहाँ पे, तो ये कितना जाएगा, देखो और 3 ये रहा, 7 और 3 10 की 0, 1 7 8 और 91, और ये कितना आ गया, 190। तो ठीक है, देखा आपने कितनी आसानी से मैं निकल लिया, 231 माइनस 190। तो इसको राउंड फिगर में इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 141 सेंटीमीटर स्क्वायर, 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देख लिया कितनी आसानी से मैंने इसको सोल्व कर लिया, क्वेश्चन में कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आंसर समझ में आ गया, करने का तरीका समझ में आ गया, कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी, कैसे अप्रोक्सीमेशन करना है, कैसे उसको सोल्व करना है। इस तरीके से अगर आपने इसको करना सीख लिया तो आपका बहुत टाइम बच जाएगा, अननेसेसरी कैलकुलेशन से आप बच जाएंगे। तो अच्छे से देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता देता हूँ कि इससे पहले अब तक मैं 24 वीडियो डाल चुका हूँ। तो चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट खोलना, उसमें सबसे ऊपर ही आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल के 2023-24 नाम से फोल्डर मिलेगा, उसमें सारे क्वेश्चन लाइन से मिल जाएंगे, ईयर वाइज डाले हैं मैंने और सारे लाइन से मिल जाएंगे। तो वीडियो को देखना और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करना, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल का 2020 में 4 नंबर का आया हुआ है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इकलौता क्वेश्चन है पूरी आपकी बुक में, जिसमें आपसे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करवाया है। ट्रिग्नोमेट्री का कैसे यूज करवाया है, देखो ध्यान से समझाता हूँ मैं आपको। हमें ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला एरिया, ये दिख गया आपको एरिया, मैंने शेडेड कर दिया ये वाला एरिया। ठीक है सर, ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, किसी तरीके से मैं ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर, ये वाला, ये और ये, इस सेक्टर में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक ही फार्मूला होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। ना तो मुझे बेस पता है ना हाइट पता है, तो हाइट के लिए सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, कैसे, यहाँ से एक पॉइंट डाल लेंगे, ये डाल लिया, इसको नाम दे देंगे, कुछ भी नाम दे दो, इसको एम नाम दे दो। ठीक है, अब ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, तो अब इस फिगर को मैं यहाँ पे सही से बना देता हूँ। देखो ध्यान से, ये रहा, ध्यान से समझना, बहुत ही प्यारा शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे ले लिया मैंने ए, यहाँ ले लिया बी, ये हो गया ओ, और ये जो मैंने कंस्ट्रक्शन किया ये हो गया मेरा एम, और ये पूरा एंगल दिया हुआ है मेरे को 120। ठीक है, ये पूरा एंगल है 120, ध्यान से समझना, बाइसेक्टर डाल दिया मैंने, ऐसे समझ लो। ठीक है, अब बाइसेक्टर डाल लिया, तो देखो बाइसेक्टर क्या करता है, ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और ये 90 हो गया तो इधर ये भी 90 हो गया। ठीक है, अब देखो बाइसेक्टर है तो ये पूरा एंगल कितने का है, 120 का, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये बचा हुआ एंगल कितना है, ये 30 डिग्री, और ये भी एंगल 30 डिग्री। ठीक है, दिख गया होगा, तो दो एक तरीके से देखो जो है, तो ए एम ओ कॉन्ग्रुएंट है, ओ एम बी के कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हमें बस दिमाग में रखना है।
किसी तरीके से इस AMO ट्रायंगल का एरिया निकाल के मैं इसको डबल कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। लेकिन AMO का एरिया निकालने के लिए मुझे AM पता होना चाहिए और OM पता होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, अब मैं इस ट्रायंगल को फिर से एक बार अलग से बना लेता हूं। देखो AMO को, ये देखो ध्यान से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये M है, ये मेरा O है और ये मेरा A है। ये एंगल है मेरा 30 डिग्री और ये एंगल है 60 डिग्री, ठीक है, और ये 90 डिग्री, ठीक है। मुझे AM निकालना है और OM निकालना है। अब ध्यान से देखो दिया क्या क्या है, मुझे AO दिया हुआ है, AO कितना है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे इसमें हम यूज करेंगे किसका, ट्रिग्नोमेट्री का। तो सबसे पहले मुझे अगर मैं एंगल 30 ले लेता हूँ तो ये थीटा के सामने ये वाला मेरा बेस हो जाएगा और ये मेरी परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो मुझे बेस और परपेंडिकुलर दोनों निकालना है। अब ध्यान से देखो, हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, और कोस थीटा, ओ पाकिस्तान, हाँ, पी अपॉन एच। साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच, और कोस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच। सर ये क्यों लगाया, देखो ध्यान से, मुझे सिर्फ हाइपोटेनियस पता है और एंगल पता है, मुझे एक बार बेस निकालना है एक बार परपेंडिकुलर निकालना है। तो इस तरीके से मैं लिख देता हूँ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए एम ओ में क्या लगा रहा हूँ मैं, साइन थीटा, मतलब साइन साइन थीटा, थीटा कितना लेना है 30 डिग्री। तो अब देखो पी, पी कितना है मेरे पास, ओ एम, ठीक है, ओ एम, और बी एच कितना है, एच दिया हुआ है 21। साइन 30 कितना होता है आपको पता होना चाहिए, 1/2, तो यहाँ से कितना जाएगा, ओ एम इक्वल टू 21। तो मेरे पास ओ एम कितना आ गया, ओ एम आ गया भाई 21/2 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब मेरे को हाइट मिल गई, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, मतलब मेरे को हाइट मिल गई, मेरा काम हो गया। मतलब ये हाइट आ गई मेरी कितनी आ गई, ये 21/2 सेंटीमीटर, क्लियर है यहाँ तक। अब मुझे AM निकालना है, तो सेम यही चीज़ लगा रहा हूँ, है ना, AM निकालना है। अब मैं लगा देता हूँ कोस थीटा, कोस 30 डिग्री, ये क्या होता है, बी अपॉन एच, बी कितना है, AM, ठीक है, और एच कितना है मेरे पास 21, तो ये कोस 30 कितना होता है, √3/2, और ये कितना हो जाएगा, AM अपॉन 21। तो यहाँ से मेरे पास AM कितना आ गया, AM आ गया 21√3/2। अब ध्यान से देखो, मेरा जो AM है, AM मुझे तो ये पूरा बेस निकालना ना, AB, तो AB को मैं ये लिख सकता हूँ 2 AM, क्यों, क्योंकि भाई दोनों क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुका था, मैं बता चुका था, और ये आधे आधे में है, तो ये आधा प्लस ये आधा मिल गया, पूरा मिल जाएगा, तो ये 2 ये रहा, और मेरे पास AM, AM कितना मेरे पास 21√3/2, तो इससे ये कट गया, तो ये कितना आ गया मेरे पास, ये 21√3, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो दोनों निकल गए मेरे पास, तो आराम से कर लगा देता हूँ मैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, पूरा ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, OAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस इंटू हाइट, ठीक है, और ये हम निकाल चुके हैं 1/2 इंटू कितना है, ये बेस कितना है मेरा 21√3, और हाइट कितनी आई, और 21/2, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 441√3/4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको थोड़ा अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं क्योंकि ज़्यादा आसानी से हो जाएगा, इसको 441 को 440 कर लो, क्यों, इससे ये पूरा पूरा कट जाएगा, कितनी बारी में, 110 में, तो 110, और रूट थ्री की वैल्यू पता है मेरे पास कितनी होती है, 1.73, तो अभी इसकी मल्टीप्लाई करी थी मैंने 110 की 1.73 से, तो 11 से ही कर देते हैं, जीरो बाद में लगा देंगे, तो 173 और इधर से भी 173 और यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा 3 और 7 और 3 10 1 9 और 1 और 1 0 कितने के बाद लगेगी 1 2, तो ये कितना आ गया मेरा 190, कितना आ गया ये 190.30। अब देखो फिर इसमें अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं, राउंड फिगर में इसको 190 लिख सकता हूँ, 190 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देख लिया आपने, मैंने कैलकुलेशन को कितनी आसान बना दिया, तो ये मेरा इतना काम हो गया ना, तो एरिया याद रखना 190 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये पूरा मिटा रहा हूँ। अब मैं निकाल रहा हूँ क्या, सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया क्या है भाई, मेरा सेक्टर कौन सा है, मेरा सेक्टर है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा मेरा है, OAAO, और यहाँ पे नाम दे दो PAO PBO, ये मेरा सेक्टर है, ये क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर,
थीटा कितना है मेरे पास 120 अपॉन 360, पाई कितना है 22/7 और आर कितना है 21, मतलब 21 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, तो इससे ये कट गया कितनी बारी में 21/3, तो कितना आ गया ये 1/3 इंटू 22/7 इंटू 21/21। अब देखो 7 3 21 से ये 21, तो कितना आ गया 22/21, ठीक है। ये कितना आएगा 210, 420 और 42, 420 और 42 462, कितना आ गया ये 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा आपको एक एक हिसाब से आराम से। अब देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, तो ठीक है ध्यान से। अब एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकाल लेंगे, ध्यान से देखो, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट या इसको बोल सकते हो शेडेड रीजन, शेडेड रीजन। तो ये क्या होगा, ये होगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो ये दोनों हम निकाल चुके हैं, एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया था हमारा 462 माइनस 190, तो ये सोल्व करके कितना आ जाएगा 200 गए 200 तो 262 272 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो देख लिया कितनी आसानी से मैंने अप्रोक्सीमेशन लेके इसको सोल्व कर दिया। अगर आपको ये अप्रोक्सीमेशन नहीं आता तो एग्जाम में घिसते रह जाओगे, ये क्वेश्चन आपको आंसर निकाल के देगा नहीं। तो आराम से समझना, पूरी वीडियो को देखना, एक एक स्टेप जो मैंने समझाया उसको समझने की कोशिश करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, बाय बाय दोस्तों।